जहाँ 30 शॉर्ट्स में 30,000 व्यूज लाना मुश्किल होता है, वहाँ हमने ओनली 10 शॉर्ट्स में 7 मिलियन व्यूज लाए। और इतना ही नहीं, 18,000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट किए। एंड जस्ट लुक एट दिस शॉर्ट फीड, 1 करोड़, OMG। और गाइस, ये सब देखने के बाद आपके माइंड में जरूर आया होगा, इनके ही व्यूज कैसे आ जाते, मेरे क्यों नहीं आते? क्योंकि आपको ये ट्रिक नहीं बताए जो मैंने मेरे सब्सक्राइबर के चैनल पे अप्लाई किए थे। सो ये वीडियो में ना कि ओनली 30 डेज चैलेंज के व्यूज प्रूफ देखने मिलेंगे, बल्कि एक प्रॉपर रोड मैप भी मिलने वाला है जो 11 प्रेस के बिना कोई नहीं देता। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो शॉर्ट्स को वायरल करना तो भूल जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ग्रीन स्क्रीन शॉट क्रिएट करके वायरल कैसे जाना है उसका रोड मैप आपको इन डिटेल मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन। चाहे वो ये वाला शॉर्ट चैलेंज हो या इसके पहले के मेरे कोई बाकी शॉर्ट चैलेंज हो, हर एक चैलेंज में एक बेसिक चीज वायरल जाने के लिए कॉमन होती है, एंड दैट इज अ नीश। अगर रॉन्ग नीश सिलेक्ट करोगे तो रिजल्ट भी रॉन्ग ही आएंगे। इसलिए हमेशा नीश सिलेक्ट करने के पहले ये पॉइंट आपको जरूर क्लियर करना ही चाहिए। नंबर 1 इज मार्केट रिसर्च। अभी के टाइम कौन से टाइप के शॉर्ट्स ज्यादा वायरल जा रहे, मैंने और मेरे सब्सक्राइबर ने देखा था चाइनीज कॉमेडी शॉर्ट्स काफी वायरल जा रहे, तो हमने वैसे टाइप के कंटेंट बनाए थे। इसके पहले मैंने सब्सक्राइबर के चैनल पे एक चैलेंज किया था, वह हम मिथिकल शॉर्ट्स टाइप की वीडियो डाल के वायरल गए थे, क्योंकि वो शॉर्ट्स तब के टाइम काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहे थे। और इस बार हमने ऑब्जर्व किया है कि ग्रीन स्क्रीन शॉर्ट्स काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे, तो हमने भी सिलेक्ट किया ग्रीन स्क्रीन चैलेंज। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि ग्रीन स्क्रीन के लिए हम कंटेंट कहाँ से ढूंढे, बट वाई फियर 11 प्रज इस ईयर। मैंने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। अच्छा, आपको भी जानना है? हाँ। सच्ची में जानना है? अरे हाँ भाई हाँ। ऑलराइट, वायरल शॉट ढूंढने का काफी सिंपल तरीका, आपको सिंपली ऐसे अकाउंट में लॉगिन करना है जो आपने काफी ज्यादा टाइम से यूज नहीं किया होगा, या एक न्यू यूट्यूब अकाउंट ही बना लो। वहाँ आपको फील्ड में जो भी वायरल शॉट देखने मिल जाएंगे, या आप स्पेसिफिक टाइप के शॉर्ट्स देख सकते हो, कौन से कैटेगरी में क्या वायरल जा रहा है उसके हिसाब से भी चूज कर सकते हो। लेकिन चैनल 30 डेज में ग्रो करके शॉर्ट्स को वायरल करना है तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज। अरे रुक, इतने जल्दी कब बता रहा है? इतने जल्दी नहीं तो कब बताऊ? अरे वीडियो के एंड में या बीच में बता। अरे हाँ हाँ गाइज, वो तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा ना, नहीं तो मुझे वॉच टाइम कैसे मिलेगा? इतने तेजस्वी लोग। बेस्ट कंटेंट बना लिया, लेकिन रॉन्ग कैटेगरी एंड कीवर्ड सिलेक्ट किए तो वायरल जाना तो दूर की बात है। आपके शॉर्ट्स, आपकी शॉर्ट्स सही ऑडियंस तक ही नहीं जाएगी, और सही ऑडियंस तक नहीं जाएगी तो आपके शॉर्ट्स को व्यूज कैसे आएंगे? इसलिए फटाफट से चैनल कस्टमाइजेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, एडवांस सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ चैनल कीवर्ड पहले ऐड करता हूँ। और हाँ गाइज, एक बात आपको ध्यान में रखना है, चैनल कीवर्ड के साथ आपको आपके चैनल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, सेटिंग एंड ऑल। बट गाइस, ऑप्टिमाइज करते कैसे, तो सारी चीजें इन डिटेल मैंने ये वाली वीडियो में बताई है, जो आप बाद में देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगी। बाकी आपको वायरल वीडियो से उसके वायरल कीवर्ड्स एंड टैग एक्सट्रैक्ट करने हैं, जो डेफिनेटली आपको आपके वीडियोस में भी यूज करना ही है। और इसीलिए गाइस, मैं आप सबके लिए लॉन्च कर रहा हूँ एक यूट्यूब टूल ऐप, जिसका लोगो तो देख सकते हो, चाहे वो वायरल वीडियो टैग एक्सट्रैक्टर हो या चैनल रिव्यू से लेकर काफी चीजें जो बाकी वाले एप्लीकेशन में आपको पेड में मिलते, लेकिन ये सब तुम्हारा भाई तुम सबके लिए ला रहा है फ्री में। तो मैं ये मंथ एंड होते होते मैं आपको प्ले स्टोर पे मेरा ऐप लॉन्च करूंगा, जिसका आप पूरा जबरदस्त फायदा उठा के आपकी शॉर्ट्स वायरल कर सकते हो और चैनल ग्रो करने में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। बाकी ऑर्गेनिकली शॉर्ट्स वायरल करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जो हमने ये चैनल पे अप्लाई किया था, दैट इज इमोशन टैक्टिक्स। हमने ऐसा कंटेंट ढूंढा जिसमें ऑडियंस के कुछ ना कुछ इमोशन जरूर ट्रिगर्ड होते होंगे, और वो कंटेंट कैसा है जो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। कुछ हमने ऐसे कंटेंट बनाया जिसमें हमने ग्रीन स्क्रीन भी लगाई है, मतलब कि जो फेस रिएक्शन है ये मेरे सब्सक्राइबर का फेस रिएक्शन है। और गाइस, इसमें मैं म्यूजिक म्यूट कर रहा हूँ, तो शायद आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें कौन सा इमोशन ट्रिगर्ड हो रहा है, बट डेफिनेटली मैं चैनल का नेम रिवील करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो फाइनली आज चैलेंज का डे 1, और आज आए हैं 2.4 लाख व्यूज, वो भी फर्स्ट शॉर्ट्स को ही। और ये देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही, क्योंकि आप ऑब्वियसली जानते हो मैं कितने ज्यादा चैलेंजेस वीडियो बना चुका हूँ जिसमें स्टार्टिंग से अच्छे व्यूज आते हैं, बट इट्स क्वाइट इंप्रेसिव, बिकॉज 2.4 लाख व्यूज फर्स्ट शॉर्ट को आना काफी बड़ी बात होती है। और उससे भी बड़ी बात देख सकते हो, यूट्यूब सर्च से भी यहाँ व्यूज आए, और इसके अलावा व्यूज स्वाइप पर रेशियो भी काफी बढ़िया है, जो वायरल जाने के लिए ठीक अच्छा इसका भी था। एंड डे 2 में आए 2.3 लाख व्यूज, एंड इसका ऑडियंस रिटेंशन देख सकते हो 75% का है। लेकिन आपके माइंड में आया होगा, प्रज भाई हमारी शॉर्ट्स पे तो 90, 100, even 120% 200% तक का ऑडियंस रिटेंशन होता है, उसके बावजूद हमारी वीडियो वायरल नहीं जाती, तो तुम्हारी 75% पे कैसी जा रही है? बट एक मेन एंड स्पेसिफिक रीजन इज शॉर्ट ड्यूरेशन। ये शॉर्ट पूरी 59 सेकंड की है, मतलब कि लगभग से लगभग वीडियो अपलोड करने के बाद 1 मिनट की हो जाती है, और यही रीजन की वजह से गाइस कम रिटेंशन पे भी ये वीडियो वायरल गई है, बिकॉज शॉर्ट्स का ड्यूरेशन काफी कम होगा तो रिटेंशन ज्यादा होना ही चाहिए। अगर ड्यूरेशन काफी ज्यादा है तो उस पर कम रिटेंशन पे भी
आपकी शॉर्ट वायरल चली जाती है, उसके पीछे का रीजन ये होता है गाइस कि बड़ी शॉर्ट्स में ऑडियंस को लास्ट तक हुक रखना काफी बड़ी बात होती है, और अगर आप कर पाते हो तो आपको शॉर्ट्स पे वायरल जाने के लिए कोई नहीं रुक सकता, जो हमने डेफिनेटली काफी हद तक किया है। 75% का ऑडियंस रिटेंशन गाइस, मतलब गाइस लगभग 40-45 सेकंड अबाउट तक हमने ऑडियंस को हुक रखा है ये वाले शॉर्ट्स पे, इसलिए गाइस ये काफी इजीली वायरल चली गई ये और फर्स्ट वाली वीडियो। डे 3 में भी 2.4 लाख व्यूज आए एंड इसमें भी सेम स्ट्रेटजी हमने अप्लाई की थी, शॉर्ट ड्यूरेशन काफी बड़ी थी। एंड इसके अलावा गाइस और कुछ चीजें जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, जिसके वजह से हमारी शॉर्ट्स और चैनल काफी जबरदस्त ग्रो हो रहा था, लेकिन सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन से आपकी शॉर्ट्स वायरल नहीं जाने वाली, इसके पीछे ये सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, वो मैं आपको डे 4 के व्यूज प्रूफ दिखाने के बाद दिखा दूंगा। आज गाइस है डे 4 और आज के शॉर्ट्स पे आए 5 लाख व्यूज, जो देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, एकदम दिल खुश हो गया। एंड गाइज अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बोनस टिप, जिससे आप भी वायरल जा सकते हो। बट गाइज आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो मैंने बोनस टिप देखी। तो गाइज अगर आप हमारे सारे शॉर्ट्स देखोगे तो हमने हर एक शॉर्ट्स में ऑडियंस के इमोशन को ट्रिगर किया है, जो मैंने पहले ही कहा था। साथ में टाइटल भी ऐसे कैची हमने दिए कि जो ऑडियंस टाइटल पढ़ते ही वो ट्रिगर हो ही जाएंगे। कहने का मतलब है कि गाइज आप ऐसे कैची टाइटल देना है, कुछ ना कुछ इमोशन से ट्रिगर हो ही जाए, लेकिन टाइटल से भी होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स तो तब देखेगी जब आपका टाइटल पढ़ के वो क्लिक करेगी, नहीं तो अगर आपका शॉर्ट्स उनके सामने आ भी जाएगा तो भी वो स्वाइप अप कर देंगे। और इसलिए गाइज ये चारों शॉर्ट्स के टाइटल देख सकते हो कैसे हमने इसमें कैची वर्ड्स का यूज किया है। और आज चैनल का डे 5 है एंड ओनली आए 17K व्यूज, क्योंकि इसमें ऑडियंस रिटेंशन ओनली 15% का है। इससे हमको ये सीखने मिलता है कि ऑडियंस रिटेंशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए। बाकी गाइज चैनल का नेम इस बार में ये वीडियो में रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि गाइज इसका मैं पार्ट 2 भी क्रिएट करूंगा, जिसमें आपको चैनल का नेम तो देखने मिल ही जाएगा, साथ में ऐसे ग्रीन स्क्रीन शॉर्ट्स को रिकॉर्ड करके एडिट करके कैसे अपलोड करना है जिससे आप भी वायरल जा पाओगे, वो सब मैं इसके पार्ट 2 में आपको बताऊंगा ही। ऑलराइट आज है डे 6 एंड ये शॉर्ट्स लिटरली 5 मिलियन व्यूज लेके आई है और अभी तक वायरल जा ही रही है, क्योंकि इसके टाइटल देख सकते हो कितना ज्यादा रिलेटेबल भी है एंड इमोशन ट्रिगर्ड हो ही रहे, तो उसके चलते ये शॉर्ट्स ज्यादा वायरल हो गई। बाकी डे 7 में 42,000 व्यूज आए, इट्स क्वाइट इंप्रेसिव। एंड डे 8 में आए 19K व्यूज बिकॉज लो ऑडियंस रिटेंशन। एंड डे 9 में भी कुछ खास व्यूज नहीं आए, क्योंकि इसमें भी गाइस ऑडियंस रिटेंशन एंड हमारा व्यू स्वाइप अप रेशियो काफी खराब है। एंड द डे 10 को आए 68,000 व्यूज, जो देख के काफी मजा आ गया। उसके अलावा बाकी डेज के प्रूफ एंड ग्रीन स्क्रीन चैनल ग्रो कैसे करना है वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा। सो बाकी अभी भी आपके शॉर्ट्स को अच्छे व्यूज नहीं आ रहे तो क्लिक करो लेफ्ट वाले वीडियो पे, और अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए तो क्लिक करो राइट वाले वीडियो पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।